RBI ने खारिज किया वाटरमार्क तस्वीर छापने का दावा, महात्मा गांधी का फोटो ही रहेगा। भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर महात्मा गांधी की ही तस्वीर रहेगी। कहा जा रहा था कि जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीर देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि अब रिजर्व बैंक ने उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि नोटों से महात्मा गांधी का चेहरा हटा दिया जाएगा। बैंक ने बयान जारी कर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये महज अफवाहें हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में और खोलेगी 10 मोहल्ला क्लिनिक, लोगों को मिलेगी अच्छी सुविधाएं। दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार राजधानी में 10 और मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार देख रहे मनीष सिसोदिया ने दी। सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग व PWD के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन क्लिनिकों की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए जिससे कि आम जनता लाभ उठा सके। सिसोदिया ने कहा कि इन मोहल्ला क्लिनिकों का निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का शानदार व अनूठा मॉडल है। मोदी सरकार की बड़ी पहल, अमरनाथ यात्रियों को मिलेगी इस बार हेलीकॉप्टर सुविधा। मोदी सरकार अमरनाथ यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार कई तरह के फैसले ले रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों को हेलीकॉप्टर सुविधाएं मुहैया कराने पर काम चल रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने की समय सीमा 15 जून रखी गई है। बोर्ड अमरनाथ यात्रियों को पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर हवाई सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि इसके लिए यात्रियों को सामान्य हेलीकॉप्टर के साथ साथ MI-17 हेलीकॉप्टर की भी सुविधा दी जा सकती है। हालांकि अभी तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इसकी अनुमति नहीं मिली है लेकिन अगले कुछ दिनों में इसे मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। 31 मेडल के साथ हरियाणा नंबर 1 पर, 21 मेडल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में चौथे दिन 10 गोल्ड सहित 31 मेडलों के साथ हरियाणा पदक तालिका में नंबर 1 पर पहुंच गया है। हरियाणा के खाते में 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 कांस्य पदक है जबकि महाराष्ट्र भी 9 गोल्ड सहित 21 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारतीय रेलवे ने लाखों यात्रियों को दी राहत, घर बैठे ही IRCTC पर बना सकेंगे पहले से दुगने टिकट। रेल मंत्रालय ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले लाखों यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। अब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट पर महीने में यात्री 24 टिकटें खुद ही ऑनलाइन बना सकते हैं जबकि इससे पहले महज 12 टिकट ही बना पाते थे। ऐसे में ये यात्री एजेंट की सेवाएं लेते थे जिसके चलते फर्जीवाड़े को भी बढ़ावा मिल रहा था। अब मंत्रालय ने टिकट की संख्या बढ़ाकर एजेंट्स पर भी नकेल कस दी है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित उत्तर भारत में लू की चेतावनी, मानसून की गति हुई धीमी। देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मानसून की एंट्री के बाद धीरे धीरे मानसून ने झारखंड में प्रवेश कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी व लू की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 31 व अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे मानसा, सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंच जताया शोक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानसा पहुंचे, जहां वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और माता चरण कौर से मिले और शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने पहले भी सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू के जाने से दुखी और स्तब्ध हूँ। दुनिया भर से उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।